हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि यदि आपके मोबाइल से एसएमएस कम्प्लीटली डिलीट हो जाता है परमानेंटली, तो आप उसे कैसे रिकवर कर पाओगे। दोस्तों, यह वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, आप हर एक स्टेप को फॉलो करिएगा, 100% आप रिकवर कर लोगे। ये फ्रेंड प्रॉब्लम मैंने फेस किया है खुद, और मैं आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा। इन एसएमएस को डिलीट कर दूंगा और रिसाइकल बिन से भी डिलीट करूंगा। परमानेंटली जब आपके मोबाइल से डिलीट हो जाते हैं, तो आप इनको कैसे रिकवर करोगे। दोस्तों, किसी भी रीजन की वजह से आपके मोबाइल से कोई मैसेज डिलीट हो जाता है और आपको आवश्यकता है उस मैसेज की, और आपको रिकवर करना है, तो आप उसे आसानी से रिकवर कर पाओगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं कैसे इन एसएमएस को रिकवर करता हूं, और आप भी इनको रिकवर ऐसे ही कर पाओगे। तो दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं कुछ मैसेज को। तो दोस्तों, इन टेक्स्ट मैसेज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और मैं इनको परमानेंटली डिलीट करूँ। अभी दोस्तों, ये मूव टू रिसाइकल बिन, यानी कि ये रिसाइकल बिन में सारे एसएमएस गए हैं। यानी दोस्तों, आप बोल सकते हो कि रिसाइकल बिन पर हम जैसे ओपन करेंगे, तो यहाँ से आप इनको सिलेक्ट करके रिस्टोर कर सकते हो 30 दिन के अंदर अंदर। बट क्या होगा दोस्तों, यदि ये रिसाइकल बिन से भी सारे मैसेज डिलीट हो जाएँ, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा डिलीट। यहाँ से सारे मैसेज को मैं डिलीट करके दिखाऊंगा दोस्तों, उसके बाद आप जो है इनको रिस्टोर भी कर पाओगे। तो जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने इनको डिलीट कर दिया है रिसाइकल बिन से भी, जो रिसाइकल बिन से मैंने एसएमएस को डिलीट कर दिया है। अब ये मोबाइल से कम्प्लीटली परमानेंटली डिलीट हो चुके हैं, अब आपके मोबाइल पर वो मैसेज बचे नहीं हैं। तो दोस्तों, अब क्या होगा, आप इनको आप कैसे रिकवर कर पाओगे। दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने कई एप्लीकेशन रख रखे हैं फोटो वीडियो रिकवरी से रिगार्डिंग्स, यानी कि मैंने कम्प्लीट रिसर्च किया है। तो दोस्तों, मैंने एसएमएस रिकवरी से रिगार्डिंग्स इस टॉपिक पर भी रिसर्च किया, और मैंने एक एप्लीकेशन पाया जिसके थ्रू सारे एसएमएस का बैकअप लिया जा सकता है। एसएमएस बैकअप के लिए आप इस पर क्लिक करिएगा दोस्तों, और यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा, आप अलाउ अलाउ कर आगे बढ़ जाइएगा। दोस्तों, यहाँ पर ये एप्लीकेशन तभी काम करेगा ये जब आप यहाँ पर बैकअप सेट करोगे, सेटअप आप बैकअप। दोस्तों, यहाँ पर मैसेज का और कॉल लॉग्स का, यहाँ पर आप देख सकते हो 559 मैसेज दोस्तों आपके बैकअप हो जाएंगे, यानी कितने मैसेज मैंने जो डिलीट किए हैं वो सभी बैकअप करके दे देगा, और कॉल लॉग्स यानी हमारे जो कॉल लॉग्स भी डिलीट हुए हैं उनको भी बैकअप दे देगा ये। तो मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट पर जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ से, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर गूगल ड्राइव। तो दोस्तों, यहाँ पर गूगल ड्राइव हम सेलेक्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ है क्या। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको बता दूँ कि ये एप्लीकेशन तभी वर्क करता है जब दोस्तों आप इस एप्लीकेशन पर यहाँ पर पहले से बैकअप सेट कर रखोगे, यानी गूगल ड्राइव पहले से, यानी एसएमएस डिलीट होने से पहले इस एप्लीकेशन को यदि आपने डाउनलोड किया रहा होगा और यहाँ पर बैकअप ऑन किया रहा होगा, तभी आप एसएमएस को बैकअप कर पाओगे। अदरवाइज़ दोस्तों, आप फ्यूचर में आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आप अब इस एप्लीकेशन पर ये सेटिंग कर दीजिएगा, जो जो मैं अभी सेटिंग करके बताया सेटअप बैकअप पर, आप वह चीज़ कर दीजिए। 100% जब इन फ्यूचर आपके मैसेज डिलीट हो गए, तो आप इसी के थ्रू आप सारे एसएमएस बैकअप कर लोगे। अब रिस्टोर पर जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर रिस्टोर पर क्लिक करोगे, तो लोकल बैकअप लोकेशन आप दे दोगे कहाँ पर आपको करना है, और यहाँ पर दोस्तों आप जाकर लोकल फोल्डर पर आप करना चाहते हो तो फोल्डर का नाम दे दीजिए, एसडी कार्ड पर करना चाहते हो कहाँ पर करना चाहते हो, यूज़ दिस फोल्डर पर करके आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर दीजिए, और यूज़ दिस फोल्डर पर क्लिक करके अलाउ कर दीजिए, और यहाँ पर सारे एसएमएस का बैकअप आ जाएगा, रिस्टोर हो चुका है। सो इस तरह से दोस्तों, आप भी अपने सारे मैसेज का बैकअप कर पाओगे। लेकिन दोस्तों, अभी यदि आपने डाउनलोड नहीं किया तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर बैकअप ऑन कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपके मैसेज डिलीट हो तो आप उनको बैकअप ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इस चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि यदि आपके मैसेज डिलीट होते हैं, तो रिसेंटली में 30 दिन के अंदर अंदर आप रिसाइकल बिन के थ्रू आप इनको रिस्टोर कर सकते हो। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए। यदि आपके मैसेज बैकअप नहीं होते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, प्रकाश पाजी 087। मैं वहाँ पर आपके पर्सनली कुछ हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।